आज 40 साल हो गए साहब, सब दिलासा देते हैं कि तुम्हारा कॉलोनी बन जाएगा, तुम्हारा विकास बन जाएगा। कोई बस्ती में विकास आज तक नहीं बना हम लोगों का। आपके वोट मांगने आएंगे तो बहुत मारेंगे और कुत्ते और दौड़ा देंगे। सरकार भले ही गरीबों के लिए लाभकारी योजनाएं चला रही हो, लेकिन गरीबों को योजनाओं के नाम पर सिर्फ कोरा आश्वासन ही मिला है। कई सालों से योजनाओं के लिए भटक रहे इस परिवार को वोट के नाम पर सिर्फ ठगा गया। नेताओं से इस गांव के लोग इस कदर नाराज हैं कि अगर इस बार नेता वोट मांगने आए तो बहुत मारे जाएंगे और तो और उनके पीछे कुत्ते भी छोड़ दिए जाएंगे। मामला कानपुर देहात के रूरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के अंबेडकर नगर सपेरा बस्ती का। यहाँ रहने वाले परिवार बेहद ही गरीब है। यहाँ के लोग परिवार चलाने के लिए गांव-गांव जाकर सांप दिखाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। बीते जुलाई को हुई बरसात ने इन परिवारों की छत भी छीन ली। अब ये खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे रहना मौत को दावत देने के बराबर है। लोग कच्चे मकान है, कच्चे मकान थे। 29 जुलाई की बरसात में सारे मकान ध्वस्त हो गए, तो तिरपाल लगा के रह रहे हैं। गर्मी तो कट गई, अब सर्दी नहीं कट रही। हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे, गाय गोरू देखिए, गाय का बछड़ा मर गया हमारा। सर्दी के बच्चे, बच्चों को जुकाम हो गया। सर्दी में रात भर हवा चलती है, हम लोगों का गुजारा कैसे हुआ। अब आप देखिए कि हम लोग तब तिरपाल मोमिया डालकर गुजारा कर रहे हैं। बावजूद सरकार में सबको आवास दिए जा रहे हैं। रूरा नगर पंचायत में बहुत प्रधानमंत्री आवास बन गए, पर हम लोगों की बस्ती में अभी एक भी आवास नहीं बना। हम लोग वोट देते 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 आज 40 साल हो गए साहब, सब दिलासा देते हैं कि तुम्हारा कॉलोनी बन जाएगा, तुम्हारा विकास बन जाएगा। कोई बस्ती में विकास आज तक नहीं बना हम लोगों का। पानी भर जाता है साहब, सब मकान गिर जाते हैं साहब, कोई हमारा ठिकाना नहीं लगता है। दिलासा दे देते हैं, कहते हैं, विश्वास दे देते हैं अब की दफ़े तुम्हारा बन जाएगा। बार बार अकबरपुर डीएम के पास दौड़ दौड़ के गए, वहाँ पर भर भर के ट्रैक्टर गाड़ी मोटर भर भर के गई हमारी। दिलासा दे देते हैं कि भाई अब अभी नहीं, 10-5 दिन के बाद तुम्हारे सब मंजूर पैसा हो जाएगा। यहाँ की रहने वाली महिलाओं ने बताया कि वो कई सालों से आवास योजना के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं, उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर ही टाल दिया जाता है। लेकिन इस बार सपेरा बस्ती के लोगों ने वोट मांगने आने वाले नेताओं को करारा जवाब देने की ठान ली है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बार वोट मांगने आए तो मार कर भगाएंगे और उनके पीछे कुत्ते दौड़ा देंगे। देखो, हमारे अब बरसात में हम लोगों के घर मकान सब गिर गए। 2 साल से भागते 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 परेशान हो गए। ना घर है, ना कॉलोनी है, कुछ भी नहीं है। अंदर अंदर वो खरंजा मिल गया था, ना रास्ता है, हम लोगों को कुछ भी नहीं है। टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, सरकार तो हम लोगों गरीबों का तो खून पी रही है, अब गरीबों के लिए क्या कर रही है? कुछ भी नहीं मिल रहा हम लोगों को। आपकी वोट मांगने आएंगे तो बहुत मारेंगे और कुत्ते और दौड़ा देंगे। जब 50 साल से हम लोगों की वोट तो लेते हो, अब बड़े बड़े बिल्डिंगों की, ठाकुर की, पंचों की, कहर की, मुसलमान की, सब जातियों की बन गई, हम क्या जात से बाहर है? कानपुर देहात से मई भारत के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट।